आप विच वर्त के अपने इस अमृत बचन दी विचार पै भावनी एकाग्रता नाल आप ही करा लैन। बख्शो आसीस और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो कृपालता फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। मनुख एक सामाजिक प्राणी है। यह समाज विच रहना ही पसंद करता। ते जिहो जै समाज विच जिहो जी सोबत विच मनुख रहेगा कुदरती तौर ते इस दा सुभाव भी उसे तरह ही बन जांदा है। जिस समूह विच जिस टोले विच जिस थां ते जिस बरादरी ते मनुख रहिंदा है कुछ ऐसे गुण ने जां औगण ने जिहड़े बिना तरद्दुद तो बिना मुशक्कत तो बिना किसी घालना तो जिस थां ते बैठदा है उथों दे लोकां दी संगत करन करके बदोबदी उहदे अंदर प्रवेश कर जांदे। जिहो जिहा समाज विच जिहो जिहा चुगरदा इस दा होवेगा उह कुछ मनुख अपने मन दे उत्ते गुणा औगुणा दा प्रभाव कबूलदा है। स्याणे पुरशां ने इस गल नूं समझाउण दे लई कुछ दुनियावी उदाहरणां लईआं ने कि मनुख दा मन किस तरह अपने नेड़े बैठे हुए किसी आदमी दे गुणा ते औगुणा दा असर कबूलदा है। स्याणे कहिंदे ने मनुख दा मन एक निर्मल शीशे दी तरह है ते जिहो जिहा शीशे दे उत्ते प्रतिबिंब पएगा जिहो जिहा अक्स होवेगा कुदरती तौर ते शीशे ने ओह कुछ ही दस देना है। जे शीशे दे सामने कोई लाल रंग वाली चीज है ते शीशे दे अंदर ने उस दी लाली नूं ही बार प्रगट करना है। त्वजो दोस्त अज दी विचार दा विशा एह है गुरु अर्जुन देव जी दे अंदर दे वचन ने जे जन्म मरण दे दुख तो बचना ही पल सागर दियां लहरां तो बचना ही साध संगत विच बैठ के परमात्मा दी सिफत करिया कर सिर्फ ए तरीका है। अर्ज मैं कर रहा कि संगत दा असर चुगिरदे दा असर मनुख कबूलदा है। मनुख दा मन एक दर्पण दी तरह एक शीशे दी तरह है। जिहो जिहा अक्स दर्पण उत्ते पएगा शीशे उपर पएगा ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦਰਪਣ ਨੇ ਲਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰੰਗ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੈਸਾ ਵੀ ਅਕਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਚਿਤਰਦਾ ਤੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦੋ ਬਦੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਆਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਵੀ ਰੰਗ ਘੋਲ ਦਿਓਗੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੰਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਪਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ
एक उड़दे हुए परंदे की तरह है, पंछी की तरह है, पर इसकी उड़ारी भी बहुत तेज है, इसका सफर भी बहुत लंबेरा है। कहते जे तो यह मनुखी मन किते परमात्मा वाले पासे उड़ारी मारन लग पे ते करोड़ा जन्मां दे विछोड़े खत्म हो जाते ने, साईं दे चरणां विच अभेद हो सकदा है। ते जे इह मनुखी मन किते परमात्मा तो दूर चला जाए ते करोड़ा जन्मां दे इहदी परमात्मा नाल दूरी भी पै सकदी है। फिर इहदा सुभाग है इन्ना तेज है, पंछी दी तरह जिस रुख ते बैठदा है ते उस रुख दे उत्ते बैठ के जैसे फल लगे ने उन्हां नूं चुंझ मार के जे परंदा चकदा है ते बंदा जीवो जी संगत विच बैठेगा कुदरती तौर ते ओहो जिहा फल इहदी जिंदगी विच उहदा रस माणेगा। हजूर ने अमृत बाणी विच मेहर कीती ते बख्शिश भरिया बचन कि उहने कहन लगे कबीर मन पंखी भया उड उड दह दिश जाए जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जिहो जी संगत मिली मन पंछी ने ओहो जिहा फल खाने शुरू कर दिते। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर मनुखी उधार दे लई हजूर ने कुछ शब्द बाणी विच सानू दिते, भावा अज ओ शब्द साडे केवल इस चमड़ी दी जबान तक सीमित रह गए ने, तुर अंदर ओ शब्द साडे घर नहीं करदे पए। ओ शब्द सानू सतगुरु ने अपने अंदर दी तह विचों दिते। ओ शब्द सन साध संगत, सत संगत, संत संगत, गुरु संगत, गुरमुखां दा मेल। हुण इह जिहड़े शब्द वार वार अमृत बाणी विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज ने, आखिर इन्हां शब्दां दा कोई भाव अर्थ है? असीं शब्द सारे वरतने भी सत संगत करन चले, ते जिहड़ा बंदा सत संगत विच आउंदा है कुछ समय तो बाद असीं शब्द वरतन लग पैने आ इह सज्जन सत संगी है। हुण जे किसे इसे दो शब्दां दे अर्थां दी डूंघाई विच जाइए भी सत संगत की है ते सत संगी है कि पहला शब्द है सत ते अगे शब्द है संग। सत दा अखरी अर्थ गिणती वाला सत नहीं, इह ते सत दा अर्थ है सच, ते सच जे केवल है ता एक परमात्मा, बाकी जो कुछ भी है सब कूड तमाशा है। वो सत केड़ा है? उस सच नूं मेरे बाबा नानक जी ने कह प्यारे वो सच बंदे दी जबान तो दित्ती कोई परिभाषा नहीं, बेनती समझ। उस सच दा अर्थ ए नहीं कि आदमी ने कह दिता भी परमात्मा सच है, रब सच है, ते उस दिन दा बाद वो सच बन गया। कह लगी सच दा अर्थ जदों कुछ भी नहीं सी, ना भाषा, ना मनुख, ना जबान, ना विद्वता, ना लियाकत, जदों कुछ भी नहीं सी उदो भी वो सत सी, ते प्यारे जदों कुछ भी नहीं रहना उदे भी उन्हें रहना वो फिर भी सत है। सत दा अखरी अर्थ जिस दी होंद ने कदी खत्म ही नहीं होना। सत संगत दा अर्थ की है? हजूर दे सत दी जदों परिभाषा दिती ते अमृत बचन असी बाबे नानक दे पढ़ने हां आद सच, आद दा अर्थ संसार दे मुढ़ विच भी वो सच सी। फिर मेरी इस बेनती नूं समझियो, सत नाम दा अर्थ ए नहीं कि असी नाम दिता रब सच है, जिदन असी सारिया बिनस जाना वह फिर भी सच है, जे असी नहीं तां भी वह सच सी, जे असी हां तां भी वह सच है, ते जिदन उन्हें सारा पसारा समेट लेना फिर भी वह सच है। साहब ने उत्ते शब्द कहने आद सच, जुगाद सच है, भी सच नानक होशी भी सच, जेड़ा उस सच दी संगत करन लग पवे। प्यारे उस सत दी संगत करन वाले नूं ही सत संगी कहा जांदा है। उहदा वेखणा भी सत है, उहदा बोलना भी सत है, उहदा सुनना भी सत है, उहदा चलना भी सत है। सत संगत दा अर्थ है जिथे सत दी संगत कीती जाए, ते सत संगी दा अर्थ है जेड़ा बंदा अपनी जिंदगी विच सच दी संगत करन दा रोज नेम बना लवे। हुणे असीं आपां भावें घंटा दो गुरु घर बैठे शब्द जरूर वरतने कि सत संगियां चंगी गल है, पर प्यारियो असल विच गुरु नानक साहिब ने सिख नूं ओ सत संगी बनाया। एक वारी सच नूं स्पर्श कर दे ते जिन्नी देर तक इहदा शरीर चलदा इह सत दी ही संगत करे, इह सच दे नाल जुड़िया है।
दो शब्द ने, एक शब्द है सत, संस्कृत का शब्द सत है, असि इन गुरमुखी लिपि विच पंजाबी भाषा शब्द वर्तने सच। एक शब्द है सत, दूसरा शब्द है सुत, तीजा शब्द है संत, ते तिने शब्द जेड़े ने बड़े नेड़े नेड़े दे। सत ते सुत शब्द बहुत नजदीक ने। हुण सत दा अखरी अर्थ असि करांगे सच, सुत दा अखरी अर्थ करांगे पुत्र। प्यारे जदों शरीरक तत्तां दा सुमेल हुंदा है, माता ते पिता दे सुमेल विचों जो जन्म लैंदा है, उहदे लई शब्द वरत्या जांदा है सुत। एक पुत्र है जिथे शब्द की कमाई करके मनुख का अंदर रब के चरणा भी जुड़ के सत संगी बनता है, जिदा सच न मिलाप हुंदा जो जन्म लैंदा वह सुत नहीं, वह असल विच संत बनता। माता पिता के तत् के सुमेल न पुत्र का जन्म हुंदा है, संगत के सुमेल न सच की संगत करन दे नाल मनुख के अंदर संत का जन्म हुंदा है, क्योंकि ओहदे अंदर सच है। मेरी बेनती फिर थोड़ी जी तवज्जो दियो इस विषय ते, आपां थोड़ा जिहा टेक के जरूर गल करनी है कि सत संगत ते नाम दो चीजां सिक्खी विच ने जिहड़ियां तेरे बेड़े नूं पार कर सकदियां। सत संगत, हुण सत संगत की है, मैं अर्ज कीती जिथे सच दी गल होवे ते सच दी गल वक्ती ना होवे। मेरी बेनती नूं समझियो, वक्ती सच की। हुण आपां बज्जे हुंदे आं अपने अंदर दे विचारां ते, मैं आया, मैं आके अपना पख पूर दिता ते नाल कह दिता मैं जो कुछ कह मैं सच कह रहा हूं। दूजा आया, ओदी नजर भी हो सकता जो मैं सच बोलिया वह झूठ हो, अपनी दलील दे, उठ के मेरे सच नूं जो मैं शब्द सच बनाई बैठा अपनी दलील टुकड़े करके कह कि जो मैं बोल के गया ये सच है, ते फिर आपां किन्नू स्वीकार करांगे भी ओ सच जिहड़ा पहला बोल के गया जां ओ सच जिहड़ा बाद बोल च बोल के गया। सत संग असल विच है की है? तन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इहदी परिभाषा दो तुकां भी दित्ती है, कहिंदे प्यारिया जिथे कोई बंदा अपने अंदर दी खौमे नूं लै के सच बोलदा होवे, अंदरों सच नाल ना जुड़े, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਸੱਚ ਵੀ ਕੂੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜਤਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਈਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਏ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕੇ ਕਿ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ, ਇਹ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ? ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ,
जदों किसी दूजे दे घर घटना वापरदी असीं कह दें हुक्म है ते जिदन अपने नाल वापरदी फिर समझ लगदी हुक्म मन्नी दा कि नहीं। एक फकीर सी तुरिया जाना जदों किसी पिंड विच किसी दी मौत होनी मैं खिंड विचों निकलना उन्हें पैरां विच घुंगरू बनने ते गल विच पा के ढोलकी ना नाले नचदे जाना अर्थी दे नाल भावें कोई जवान दी मौत होवे बजुर्ग दी होवे बच्चे दी होवे गल विच ढोलकी पा के पैरां विच घुंगरू बन के वजाई जाने ते नाले नच नच के कही जाना दुनिया कूड़ है दुनिया झूठ है दुनिया एक दिन बिलस जाने हर बंदे दी अर्थी दे नाल ओ नचदा जाए लोकां कहना शुरू कर दिता ए तां वाकई पुगिया होया भगत है ए तां जन्म मरण दे दुख तों उपर उठ गए रब दी करनी उस दे अपने जवान पुत्र दी मौत हो गई। लोकां ने कहा बाबा अज कह लगा अज भी पैरां विच घुंगरू बन्ना घुंगरू पैरां विच बन्ने गल विच ढोलकी पाई जदों ढोलकी वजाए ते पैरां दे नाल अद्धी जमीन ते मार के घुंगरुआं दी छनकार आवे पर ओह छनकार ना आवे जिहड़ी लोकां दे पुत्रां दी अर्थी नाल हुंदी सी। अज उहदा वार वार पैर डगमगाए वार वार जिहड़ा उहदा पैर खिड़के ते जदों पुत्र दी चिखा नूं अग लगी ते उहदियां अखां छलक आईआं किसे ने मोढे ते हथ रख के कहा बाबा लोकां दे पुत्रां दी अर्थी नाल ही कहिंदा सी दुनिया कूड़ है पर अज तेरे पैरां दे नचन विच ओह तेजी नहीं जिहड़ी लोकां दी अर्थी नाल सी ते उहने सच्ची मुच्ची उहदा कड़ पाट गया रो के कहिंदा हकीकत है कि असल विच लोकां दी अर्थी दिसदी सी कि दुनिया कूड़ी है जदों अपने घर अग लगी ते पता लगा है बसंतर नहीं इहदे विच शेक नहीं हुंदा दूजे घर नूं लगी कोई अग बसंतर देवता है अपने घर नूं लगी कोई अग फूक दिंदी है। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा वां गुरमुखो हुक्म भी तां केवल नाम भी जुड़ के मन्निया जा सकदा है। हजूर ने कहा सत संगत होवे जिथे एक नाम की गल होवे ते जिथे एक सच नूं जपण वाले होण उहनां लई फिर असीं अकथ लई शब्द वरतने हां कि इह सत संगी ने इत्थे रब दे प्यारे बंदगी वाले बैठदे ने ते इकट्ठ विच बड़ी वड्डी ताकत है। एक आदमी इकला नाम जपदा है ओदा अंदर भी भरदा है कोई शक नहीं पर प्यारियो जदों असीं संगती रूप विच होके गुरु दे चरण पकड़ के नाम जपने हां उत्थे इहो जिहियां तरंगा पैदा हुंदियां ने कि कई वारी वकारी बंदियां दे अंदर भी उह नाम चला दिंदियां क्योंकि सत संगत विच नाम मल्टीपल हुंदा है उत्थे रहमत वरदी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत बाणी ने इसे इकट्ठ लई शब्द वरते ने कहन लगे प्यारिया कि सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिया ना असल विच सच्ची बैठक उन्हां गुरमुखां नाल है जिन्हां नाल बैठ के परमात्मा दे नाम नूं जपिया जाए तिना संग संग ना कीचे नानक जिन्हां अपना सवाओ जेड़े बंदे अपने स्वार्थ नूं मुख रख के चलदे ने मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने उन्हां बंदियां दे नेड़े रंचक मात्र भी टिकी ना क्योंकि सच्ची बैठक उन्हां नाले जिन्हां नाल बैठ के साईं चेते आउंदा। भाई साहिब भाई नंद लाल जी उन्हां ने जिंदगी नामे विच इक वचन कहा कहन लगे आ हयूमे खुश के बहरे जिंदगी अस्त आ हजूमे हजूम दा अखरी अर्थ असीं इकट्ठ करांगे आ हजूमे खुश के बहरे जिंदगी अस्त रब मेहर करे तेनू ओ इकट्ठ मिले जिस इकट्ठ विच तेनू जिंदगी जीन दी जाच आउंदी होवे जिहदे विच तू जिंदगी जीन दा आनंद माण सके आ हजूमे खुश के बहरे जिंदगी अस्त आ हजूमे खुश के बहरे बंदगी अस्त असल विच जिंदगी उस इकट्ठ विच है जिस इकट्ठ विच रब दी बंदगी दी गल हुंदी होवे जिथे बंदगी है उथे ही जिंदगी है। प्यारियो जिथे बंदगी नहीं उथे असल विच जिंदगी नहीं केवल वकारां दी गंदगी बंदगी ही असल विच जिंदगी है। साहिब कृपालू जी मेल पे करदे ने कि तू सत संगत विच जुड़ जदों संगत भी जुड़ने हैं ते जिहड़ा आप जुड़िया है उहदा अंदर टुटे होए नूं भी जोड़ देंदा है। मैं एक दो उदाहरण गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी विचों और इतिहास विचों भी ट्यूक मात्र अर्ज कर देना। देखो सतगुरु मेहर करे कि सच्ची मुची सानू अंदरों सतसंगी बना दे सच्ची मुची असी सत दी संगत कर लग पईए। गुरु नानक साहिब कृपालू दे दर्शन
उस सज्जन ने भी किते नहीं जिन्हें अपनी जिंदगी विच अपने हथां नाल पता नहीं किन्ने कु लोकां दा कतल कीता सी। ते एक शब्द है केवल गुरु ग्रंथ साहिब जोत उहदे परथाए, एक शब्द सुनिया ते केवल उह शब्द नहीं उस शब्द दे नाल गुरु नानक साहिब दे अंदरों उठ दी कोई रब दी रहमत दी तरंग ने सचमुच उस बंदे दे अंदर नूं धो के रख दिता। शब्द तां साडे कोल भी है, अखंड पाठ साहब करने शब्द पढ़िया जांदा है, कथा करने शब्द दे अर्थ करने, कीर्तन वाले सज्जन कीर्तन करदे ने। अज तो 500 साल पहला केवल एक शब्द सुनिया प्यारियो, उस शब्द दे नाल नाल मेरे गुरु नानक साहब दे अंदरों उठ दी कोई जिहड़ी रूहानियत दी तरंग सी उहने उस बंदे दे अंदर दी मलीनता नूं धो के रख दिता। क्योंकि फुरनिया दा आपसी युद्ध है, बेनती समझ जिवें साडा शरीर है ना, शरीर भी तो एक संसार है। सतगुरु ने इस पिंड नूं ब्रह्मांड भी कहा है, जिन्नी ब्रह्मांड विच ताकत उन्नी इहदे विच शक्ति है। निक्के निक्के पता नहीं किन्ने कु सैल्स ने इस खून दे अंदर, ते जदों बंदा बीमार हुंदा है डॉक्टर जां वैद हकीम दवाई देंदे ने, उदों इही शब्द कहा जांदा भी इस बंदे नूं हिंदुस्तान विच शब्द वरतने आ कि आ इन्नियां खुराकां नहीं, हुण खुराक दर्द हुंदा ताकत। इहदा मतलब इह वे कि जिहड़े तेरे कारण जां तेरे जिहड़े सैल ने जीव अंदरों कमजोर हो गए ने, इस चीज दे खाण नाल उहनां नूं ताकत मिलेगी, बीमारी वाले जिहड़े कीटाणु ने उहनां दा मुकाबला कर सकणगे। प्यारियो जे कीटाणु आपस विच लड़दे ने, इसे तरह फुरनिया दी भी आपस विच परमार है। जिथे बंदा अंदरों होवेगा कच्चा, वकारियां दे कोल बैठेगा ते विकारियां दे फुरने जिहड़े ने बदो बदी उहदे अंदर नूं तब्दील करके अपने वल खिंचणगे, ते जिथे कोई भरिया होया भांडा बैठा होवेगा ना, रब की बंदगी विच इबादत विच भरिया होया पूरा महापुरश करने वाला उहदे अंदर दे फुरने जिहड़े ने वकारियां दे फुरनिया नूं पवित्र कर देंदे। हुण धन गुरु नानक साहिब कृपालू जी उहनां दे दर्शन भी उहने कीते। जदों गुरु नानक साहिब सराहां विच प्रवेश करदे ने, साह ही नहीं केवल तां केवल सिद्धांत होए अंदर प्रवेश कीते कि सज्जन ने उदों दर्शन नहीं कीते। जदों उह दो चार वारी प्रशादा पानी लैके गया, महाराज कि तुसीं कृपा करो आ प्रशाद पानी छको, कि मेरे कृपालू दाता जी दे नाल गलबात नहीं उहने कीती। जदों उहने वस्त्र विछा के कहा भी जे प्रशाद पानी नहीं छकना ते आराम करो, गलबात ते उदों भी कीती। पर प्यारियो जदों अद्धी रात नूं पूर्ण एकाग्रता बनी, मेरे धन गुरु नानक साहिब कृपालू ने अपनी रसना कोई शब्द उचारना शुरू किया। भाई मरदाने ने रबाब वजाई, गुरु नानक साहिब जी की मुबारक रसना सुई राग दी सुर लगी, ते शब्द शुरू होया कि सुखी महला पहला, उज्जल केहा चिलकना घुटम कालड़ी मस, धोतिया झूठ ना उतरे जेसो धोवां, तिस सज्जन शेई नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दसन, कोठे मंडप माड़िया पासो चितविया, झकथिया कामना आमनी विचो सखनिया, बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंझ बसन, घुट घुट जिया खामने बग्गे ना कहियन, सिमल रुख शरीर मैं मैजन देख भुलन, सेफल कामना आमनी ते गुण मैं तन हन। जदों शब्द कह अंधले भार उठाया, दूगर वात बहुत अखी लोड़ी ना ला हो चढ़ लंगा कित, चाकरिया चंगियाईया अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटे जित। हुण एक शब्द बाबा जी ने गाया, उस तो बाद खामोशी है, ते शब्द गाण दा भाव सी। जदों आपां रसना नाल भी वाहिगुरु जपणे आ ना, मैं एक बेनती करा गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहिब च बड़ी वारी सुन दा जिक्र आया है, जदों आप जपदे हो कमाई वाले बैठे हो सज्जन, जपन तो बाद उहनूं सुन दा वी रोज अभ्यास करिए। जे आम शब्द असीं कन्नां नाल सुणने आ ते कुछ समय तो बाद उह शब्द साडे अंदर इन्ना कु घर घर जांदा है कि सुत्तियां वी उह गाने दीआं आ चार पंक्तियां चेते आई जाण ते बंदे नूं सारा दिन उह गीत गूंजदा है ते बंदा उहनूं सुणी जांदा है। पर जे किते इस नाम दा अभ्यास करके रसना नाल जपिए, कन्नां नाल सुणिए, ते सच्चे पातशाह मेहर करदे ने उह अंदर दी स्रोत तेरे अंदर नूं बलवान करे, अंदर नूं ताकत देगी। हजूर कृपालू जी एक शब्द गाया है,
ते शब्द गान तो बाद गल्लां नहीं सन करदे। हुण आपां तां देखने आ संगत हुंदी है कीर्तन विच, कीर्तन करन तो बाद भी असांगे कीर्तन सुन के बाहर बना लेंदे ने गुरु घर ते हुण सत संगी को टावा टावा लगदा है। इथे एकाग्रता नाल कथा कीर्तन होवेगा, बाहर जाके ओही दुनिया दीआं गल्लां। संत बाबा संगत सिंह जी कमालिए वाले महापुरुष कहिंदे सन कि जदों तू गुरु की बाणी दा कीर्तन करे, बाणी पढ़े, बाणी सुने, नाम जपे, उदों यतन करिया कर जो कुछ भांडे विच पिया इहनूं ढक्कण नाल ढक के अपने अंदर टिका लै। जे तू सुन के उदों बाद फिर वी दुनियावी रोने रोने ने ते सच जानी वह सुनिया होया तेरे अंदर टिकेगा। जदों आपां शब्द सुनने आ, बाबा जी ने एक शब्द गाया धुर तो बाणी आई कि शब्द गाण तो बाद गुरु नानक साहब हसन लग पे, गल्लां करन लग पे कि गुरु नानक साहब शब्द गाण तो बाद कि दुनियावी कोई गल कीती नहीं, शब्द गाया भोग पिया एक शब्द दा, सतगुरु दे नेत्र मुंद गए, किसे अंदर दे अकै रस भी जुड़ गए। वह रस जिस रस दी फुहार ने इस सज्जन दे अंदर नूं धोना सी, जिस अंदर दे आनंद ने इहदे अंदर दी मैल नूं साफ करना सी, जदों शब्द सुन तो बाद हजूर जी अडोल बैठे ने, यही बंदा जिहड़ा हथियार तैयार करी बैठा सी बाबे नानक ते वार करन लई, ते इक्को दम चौंकड़ा मारियां दे चरण पकड़ के अपना शीश चरणा ते रख के कहिंदा, फकीर बाबा अखां खोल, जो कुछ जबान नाल तू बोलिया असल विच मेरे अंदर नूं तू बाहर रख दिता, यह मेरा अंदर है। प्यारे वह सत संगत सी, एक खिन सिर्फ टच किया, एक खिन ओदा अंदर जुड़िया, हजूर दे नेत्र खुले, साहब कृपालू जी दे नेत्रां दी खुमारी वाली रहमत भरी नजर सज्जन दे उत्ते पई, ते शीश ते हाथ रख के क्या पुरखा भलिया सज्जना, किरत विरत कर धर्म दी। दूजी वारी फिर शब्द क्या, सज्जना किरत विरत कर धर्म दी। असि कहने के बाबे नानक नू सज्जन ठग मिलिया, मैं कहना असल विच इकला ठग मिलिया, बाबे नानक ने उहदे विचों सज्जन प्रगट कर दिता, उहदे विचों सज्जन पैदा होए। फिर जदों इहने संगत कीती ते सतगुरु दे शब्द नू सुनिया, ते एक शब्द नू सुन के, क्योंकि प्रमाण आप समझदे हो, बाबा जी ने यही कहा, सज्जना कि कह दे भांडे चमकदे नहीं पर बदकिस्मती हथ मारीए ते विचों काले ने, मकान चार चुफेरे हो जितने मर्जी रंग रोगन कीते कौन, जे विच कोई नहीं रहिंदा ते वो महल भी खंडरात ने, सिमल दा रुख बड़ा उच्चा पै फल किसे काम नहीं आउंदे, बगले दा रंग बड़ा सोहना है, टेक के वो नेत्र बंद करके सरोवर दे कंडे बैठदा है पर ओदे नेत्र बंद करने ओदी समाधि नहीं। नाल इक शब्द क्या भलिया, देख अपने सिर ते किन्ना कु भार चुकी बैठा है, एक पहाड़ी रस्ता, दूजा सिर ते पहाड़, ते तीजा अखां तेरियां नूं दिसदा नहीं पिया, केड़े पासे जाएगा, शरीर तां अपने नहीं चुके जांदे, जिहड़ा भार सिर ते चुकिया है इहने तैनूं एक कदम भी तुर नहीं देना। साहिब ने बाणी विच कहा, अंधले भार उठाया दूगर वाट बहुत, कहिंदे सिर ते भार चुके है, ते मैं पिछले दिन एक इत्थे अर्ज कीती सी, फिर रिपीट कर देना, सैक्रामेंटो बेनती करके आया सी कि दो सज्जन ऐसे ने जिन्हां नूं अपना भार दुनियावी तौर ते लाण ते मंजर मिलदी। पहला है जिन्हें उच्ची चढ़ाई ते चढ़ना है, पहाड़ दे शिखर ते जाना, वह हल्का फुलका चाहिए। दूजा जिन्हें दरिया दीआं लहरां नूं चीर के दरिया नूं तर के पार करना है, उस बंदे दा शरीर भी खौला चाहिदा। दो बंदियां दी वर्दी वखरी है, पहाड़ ते चढ़न वाला ते पानी ते तरन वाला। जे हुण पहाड़ ते चढ़न वाला बंदा यह कहे भी मैं कपड़े भी बहुत भारे पाने ने, मैं उत्ते सिर दे पंड भी चुकने है, मैं गल दे विच भी भार लैके चल पांगा, नहीं प्यारियो पहाड़ दे शिखर ते पहुंचिया, जिहड़ा माउंटन एवरेस्ट ते सब तो पहला बंदा पहुंचिया, उहने तां जिस्म दे कपड़े भी इन्नी उचाई ते उतार दिते, क्योंकि उहनू अपना पतला कपड़ा भी भार जला जापन लगा। ते जिन्हें प्यारे प्रीतम उच्चे तक जाना है ना, लोकां दीआं पंडा की हकीकत, वह अपने मोह नू अपने अंदर दे शरीर दे भार नू भी त्याग देंदा। जे उचाई ते चढ़ना है ते भार हलका चाहिदा है, जे पानी नू तरना है ते गुरु नानक साहिब ने कहा भलिया
अंदले पार उठाया, अखां तो दिसदा कोई नहीं, इहदा मतलब आत्मक जीवन कोई नहीं, पता नहीं किधर जाना, जिंदगी दी मंजिल ही कोई नहीं। बेअंत लोग तुसी ऐसे देखोगे जेडे जिंदगी जींदे ने पर जींदे इस तरह ने कि पता ही कोई नहीं जाना किथे। किसी ने महापुरुष ने सवाल किया, कहिंदा इन्ना चिर हो गया सत संगत करदे आ पर तब्दीली कोई नहीं आई। वह हस के कहन लगे इहदा मतलब फिर बाणी का कसूर है। शब्द बड़ा सोहना मैं कहा, कहन लगे इहदा मतलब फिर जपजी साहब का कसूर होया ना, भी तू तो तैयार ही है ना, तू कहना बड़ी संगत की, बड़ी सेवा की, बाणी बड़ी पढ़ी थी, कोई तब्दीली नहीं आई। देखो जी इन्ने कर्म किए, उन्हें हस के कहा इहदा मतलब भी तू बिल्कुल ठीक ठाक है, तू परफेक्ट है, कसूर होया बाणी का। कह लगा नहीं, बाणी का कसूर नहीं, पहले पता नहीं की कारण, आत्मक तरक्की क्यों नहीं हो रही। तो तुसी देखोगे आप अज तो 5 साल जिथे खलोते हैं ओही वकार, ओही कलेश, ओही झगड़ा, उम्र बार दी ढलदी पई है, अंदर दिनों दिन मैला हुंदा पिया। अंदर की तरक्की क्यों नहीं, क्योंकि मंजिल नहीं मिठी। भाई साहब ताई कहिंदे हुंदे सन भाई वीर सिंह के उच्चा उठ जिमी तो प्यारे, तेनू खंभ रब ने लाए, ओ क्यों रिड़े गोडिया पर ने जो उड आसमानी जाए, उच्ची नजर ते हिम्मत उच्ची दाइया उच्चा रखी, अरशी तान जिदे कोई भुले सो क्यों पूंजे आ। तू तो उड के रब तक पहुंच सकने। उन्होंने बड़ी सोहनी उदाहरण दिती उन्हें करनी वालिया ने, कह लगे सजना के कुछ बंदे दरिया के किनारे आए रात में, क्यों नहीं मंजिल भी तरक्की मिलती पी, क्यों नहीं अगा तुरदा पे जीवन। कहिंदे ने नशा पीता सी उन्हें, ते 10-12 जने एक बेड़ी विच बैठ गए, कह लगे सारे जने एक एक चप्पू पकड़ लो, सारी रात चप्पू मारांगे दरिया नूं चीर के आपां पहुंच जाणा दूजे किनारे। नशे विच धुत सन, चप्पू मारी गए, छे एक पासे लग पए, छे एक पासे बेड़ी नूं चप्पू मारी जाण, पर नाल नशे विच धुत सन। सवेरे इधर पौ फुटाला होया, उधर नशा उतरिया, मदकोशी तो नेत्र खुले, ते एक उठ के कहिंदा हद हो गई, इन्ने थक गए हां, चप्पू मार मार के ते बेड़ी तो उथी जिथो आपां राती चढ़े सां। उठ के वेखन लगे चप्पू मारे शरीर थकिया, पर बेड़ी क्यों नहीं अगे चली। जदो झाती मारी ते बेड़ी दा संगल अजे भी किनारे वाले किले नाल बजा सी। ओ कहन लगा सजनो केड़े भुलेखे चप्पू मार दे रहे हैं, बेड़ी ता खोली कोई नहीं, संगल उसे तरह बजा है, जे बेड़ी ता संगल खुलिया होवे ते चप्पू मारी अगा तुरी दा है। खिमा करियो लोग धर्म दे कर्म कांडा दे चप्पू मार दे पैने, पर अंदर वाले गंदगी दे वकारां दे संगल ता उसे तरह बजे हुए। जे बेड़ी दा संगल नहीं खुलिया ते 12 चप्पू भी उहदा कुछ नहीं कर सकदे। ते जे ऐ मनुख तू आ रहा रूहानियत दे आत्मक मार्ग ते चलना है, ते अपने ए वकारा वाले संगल भी तोड़न दा यतन कर। जिन्नी देर तक तू जीवन विच इना वकारा दे संगल नूं नहीं तोड़दा, उन्नी देर तक चप्पू मार के थकावट हो जाएगी, खौमे जरूर बन जाएगी, मैं इना वड्डा सेवादार पर आत्मक रस नहीं। खिमा करे हजूर ने उत्ते शब्द वरते, जिस बंदे ने उचाई ते जाना ओदा भी भार हौला चाहीदा, ते जिस बंदे ने रब दे प्यारे गुरसिखो पानी नूं तरना ओदे लई भी भार हौला चाहीदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने गल विच आपां वकारां दे पत्थर बन्ने ने, सिर दे उत्ते लोकां दीआं निंदियां निंदिया दीआं पंडां चुकियां ने, ते जिस बंदे दे गल विच पत्थर ते सिर ते पंडां ने ओह मां समुंदर नूं लंघेगा। के हजूर दा वचन है, बेकार पत्थर गलै बंद है, निंद कोट शराए, मां सागर समुंद लंघना पार ना पर ना जाए। आप अपने विषय ते रहिए, हजूर कृपालु जी ने एक शब्द गाया है, असल विच दातार जी दा अंदर आप सच दे पुतले ने, उस सच दी निकली हुई तरंग ने एक ठग झूठे कातल बंदे दे अंदर नूं तब्दील करके रख दिता। मैं जिहड़ी अर्ज करदा पिया सां कि सत दी कोई संगत करदा है उहदे विचों संत दा जन्म हुंदा है, माता पिता दे सुमेल विचों सुत दा जन्म हुंदा है। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बहुत सोहणियां उदाहरणां दित्तियां ने, जदों सत संगत करिए ते उदों साडी अरदास की होवे, संगत किन्नां दी करिए। भगत रविदास जी दा गुरु ग्रंथ साहिब दे राग आसा विच इक अमृत बचन है, उस विच उहनां ने कृपालता भरे बचन कहे, कहिंदे ने खे प्रभु
तेरी बंदगी करने वाले जेड़े संत जाने वो असल विच तेरे अपने पुत्र ने, ते जिथे सच दा इकत है, जित हजूम विच जिंदगी है, बंदगी करने वाले ने उथे परमात्मा आप वसदा है। क्योंकि बाणी विच तसी विच रोज पढ़ने आ, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। जे संगत विच हरी वसदा ते कैसी संगत विच वसदा है। साहिब कृपालू जी दे अमृत बचन ने कहन लगे, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव। संत तुझी तन, वैसे तन दा अखरी अर्थ पुत्र भी हुंदा है, एदे तो शब्द बने तनुज। कहन लगे, रब की बंदगी करन वाले संत जन असल विच परमात्मा तेरे अपने पुत्र ने। तन दा अर्थ ए भी है कि तेरा अपना बाहर मुखी जे शरीर है, ते रब की बंदगी करन वाले संत जन। संत तुझी तन संगत प्राण, ते जिथे ओ बंदगी करन वालियां दा इकट्ठ होवे, असल विच मेरे दाता जी ओथे तेरे प्राणा दा संचार चलदा है। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने, गुरु दे दिते ओ ज्ञान नाल ए समझ पै गई कि हे परमात्मा, के जिथे बंदगी करन वाले ने ओथे तू आप वसना है। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने, संत देवा देव। अगे फिर देखो सत संगी दी मंग की है। कह लगे दाता जी, संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव। भगत रविदास जी, संत की संगत, कृपा कर मेरी जिंदगी विच मेनू ओना दी संगत दे जेड़े मेरे मालका तेरे चरणा विच ओत पोत हो चुके। संत की संगत, संत कथा रस। कहन लगे, कथा कहानियां तां असीं भी बड़ियां करने आं, पर जदों कोई रब दी बंदगी करन वाला रब दी गल करदे, कहन लगे गल करदी ओदे नेत्र ते ओदा शरीर दसदे कि इहदे रोम रोम इहदे प्राणा दे विच परमात्मा दी कथा तसी होई। संत की संगत, संत कथा रस, ओहो जी तेरी कथा दा रस आउण लग पै। संत माझै दीजै, संत वर्गा मैनू प्रेम दे दे। संत जी संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माझै दीजै देवा देव। तेरी बंदगी करने वाले जेड़े तेरे प्रेमी ने, उन्हां वर्गा मेरे अंदर नू प्रेम बख्श दे, जिवें ओ तेनू प्रेम करन उसे तरह मेरे हिरदे की अवस्था बना दे, मैं उन्हां रब दे प्यारियां वर्गा तेनू प्रेम कर लग पाऊं। गुरमुखो, जदों किते अपने तो चंगा जीवन वाला मिलदा है, वाहिगुरु मेहर करे बजाय के टुचरा डाण दे, ओदे कोल बैठ के किते रब दे घर दी गल पुछ लई। मैं अर्ज करा, जिन्हें एक खिन भी किते प्यारे बंदगी करन वाले दी संगत कीती, ओदी जिंदगी विच अवश्य पलटा आएगा, रब मेरा मेहर करे। कई बारी की हुंदा है, अनभोल विच भी कीती कोई संगत कुछ सालां तो बाद रंग लै आउंदी है। कई तुसी ऐसे सज्जन तुहानूं मिले होणे ने जिहड़े कहणगे फलाणे महापुरश आए, हुण बाणी पढ़नगे, सिमरन करनगे, नाम जपणगे, कहणगे फलाणे महापुरश आए, सानू तो पता ही कोई नहीं सी नाम की हुंदा है, असी उन्हां कोल बैठे भी, उन्हां नाल गल्लां भी कीतियां, उन्हां नूं नमस्कार भी कीती, उन्हां नाल बचन बिलास उन्हां ने सांझे कीते, पर उदों पता नहीं सी। मैं उदों कहिंदा असल विच, गुरमुखा जिहड़ी तेरी अज प्यास पैदा हुई है सच जाणी, इह उस मिली ने पैदा कीती। जदों तू मिलिया तू कहिंदा मैनूं पता नहीं सी, असल विच सच जान ओ तेरे ते जिहड़ी अज किरपा भी वापरदी ए, समा नहीं सी आया, हां समा आ गया, अज ओ कीती कोई नदर जिहड़ी फलीभूत हो गई, अज ओ तेरे ते रहमत वरती पई है। हजूर कृपालू जी दे अमृत बचन ने तन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह कहिंदे ने, सी संगत क्यों करने, रब दे प्यारियां दे चरणां विच क्यों खलो के कहिंदे, ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे। क्यों इसी शब्द कहने, भलके उठ परहुणा मेरा कर आवो, पौ पखाला तिशके मन तन नित भावो। क्यों शब्द कहने, साजना संत आओ मेरे, आनंदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाहे प्रेरे। उथे भगत साहब जी दे बचना विचों मैं थोड़ा जा निकले, गुरु अर्जुन देव जी दा जैतसरी राग विच शंत है, ए आरंभ हुंदा है कि दर्शन प्यासी दिन सरात चितवों अन दी नीत शलोक है। अगो हुंदा शंत सुन यार हमारे सज्जन एक करूं बेनंतिया। इसका अगला अंक है कि यार वे प्रह हब्बे सखियां, हे मेरे सोहने प्यारे वाहिगुरु परमात्मा जी,
पता नहीं मेरे वर्गे तेरे दर ते किन्ने हैं, पर एक मैं बेनती करा सचे पातशाह, उन्हां दे सामने मेरी खस्ती कुछ भी नहीं, उन्हां दा जीवन एक तो एक वध है। जदो उन्हां दा जीवन देखना अपने वल झाती मारना, यार वे त्रै हब्बे सखियां मूह कही ना जाइया, मैं उन्हां विचों एक वर्गी भी नहीं। क्यों? कह लगे उथे एक दो एक चिड़ंदियां बंदगी विच गुड़ुंद बैठियां, यार वे प्रै हब्बे सखियां मूह कही ना जाइया, यार वे इक दू इक चाड़े खोंकिस चतियां, इक दू इक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा, संगत ता करी दी तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैदा लाल रिजाया, जिन्ना ने मेरे परमात्मा पति वैगुरु नु खुश कर लिया, खौं तिस आगे मन देहियां, मैं अपना मन ओदे चरणा च भेट कर दिया, ते नाल बेनती करना के साई वालिओ तुहाडी पहुंच मालक दे घर तक अरदास करो, मेरे से रुखे कई जन्मां दे मन ते किते ओदी रूहानियत दी बरसात हो जा, मेरे अंदर नूं जोड़ रहे। शब्द वरते ने तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा, जिन्नी मैंदा लाल रिझाया, खौं तिस आगे मन देहिया, नानक कह सुन बिनो सुहागन मुंह दस दिखा, फिर कहिया मैनु दस भागवान ने, मैनु दस गुरु के लाल, जेड़ी तेरे अंदर किरपा वो किन्या कु दे अंदर वापर दी पई है, वो किरपा मैनू ही मिल जाए। मैं जेड़ी बेनती कर रहा सा, बाबा रविदास जी ने शब्द वरते ने सत संगत ले, के संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, कह लगे संत ची संगत ओदी संगत बख्श, संत कथा रस जिओ जा ओनु रस हुंदा हो जा मेरे अंदर नु रस आ जाए, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव, उस बंदगी करन वाले वर्गा प्रेम मेरे अंदर दे दे। अगला बचने संत आचरण मेनू करनी उच्चा आचरण, रब दी बंदगी करन वाले वर्गा दे, संत चो मार्ग ते जेड़ा प्यारे वैगुरु तेरे घर नू रस्ता संत जन तय करदा है, मेर कर मेनू ओहो जे मार्ग ते चलन दी सूझ दे दे। दुनिया तुरदी ता सारी पई है, पर बाबा जी ने बाणी विच कह संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए, कोई वड्डियां भागां वाला पांदा है? कह लगे कृपा कर संत आचरण संत चो मार्ग, ते अगली तो के संत च आउलख आउलगनी, हुण ए दे अर्थ कैसे कमाल दे, हे प्यारे के जेड़े तेरी बंदगी करन वाले संत जाने, उन्हां दे जेड़े दास ने ना, मेनू उन्हां दासां दा अगे दास बना दे, जेड़े तेरी संगत नाल ओत पोत होए। साहब ने उत्थे बचन कह एक और मांगू भगत चिंता मन, एक कृपा कर सत संगत दे नाल मैनू भगती दी दात दे दे, जेड़ी चिंता दूर करन वाली, एक और मांगू भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी शन, कृपा कर मैनू उन्हां दे दीदार ना कराई, जेड़े तेरे दर तो धक्के होए जेड़े आप टूटे ने, जनी लिखावो असंत पापी शन। ते अगे भगत जी ने क्या कहन लगे, रविदास भणे दर ते रविदास बोल रहा है, जो जाने सो जान, जिस बंदे ने इस गल नू समझ लिया वो सब तो सियाना है। कि कह लगे संत अनंत है अंतर नाही, रब दी बंदगी करन वाले ते अनंत विच कोई अंतर है। हजूर कहिंदे ने जे भव सागर तो तरने ते सत संगी बन, अपने अंदर नू सच नाल जोड़न दा यतन कर, सच नाल सच नू कमान दा यतन कर, ते सतगुरु दे अमृत बचन पढ़न वाले आपां कहांगे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी ते क्या सवास सवास बंदगी। फिर साडे कई तरह के प्रश्न हुंदे ने, मैं इक वार अर्ज कीती सी भी असि काम करने आ जी, हुण काम करदे आ इन्ने बिजी आ, जॉब इहो जी असि संगत कर ही नहीं सकदे। मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच हर तरह की दवाई है, जिहो जिहा मर्जी कोई रोगी होवे। भाई साहिब ते किसे सवाल कीता भी असि सारा दिन तां काम करने आ, संगत किहड़े वेले करीए? भाई साहब ने बहुत सोहनी उदाहरण दिती, कहन लगे तू 23.5 घंटे काम कर। शब्द ध्यान दिया जी, कहन लगे 23.5 घंटे की, मैं कहांगा 23 घंटे ते प्यारिया तू 50 मिनट काम कर। पर गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने जे किते 10 मिनट भी तेन संगत करन दी जाच आ जाए ते चेते रखी तेरा पार उतारा हो सकदा। हुण एडी वड्डी खुल ते भाई साहब बा दलील गल करदे ने, एवें नहीं
कि उन्होंने जज्बात विचार के कह दिता नहीं, वो शब्द वरते ने बाबा कबीर जी दे इस श्लोक की व्याख्या कर रहे ने कि कबीर एक घड़ी आदि हूं ते आदि भगतन सेती गोश ते जो कीनो सोला। हुण अद्धी तो अद्धी घड़ी की है, कितना कु समा बनता है। उथे भाई साहब भाई गुरदास ने बहुत सोहनी उदाहरण दिती, कहिंदे जिहड़े लोग दरियावां ते पूर पार करदे ने, नौकावां विच बेड़ियां विच कश्ती विच बिठा के लोकां नूं इक किनारे तो दूजे किनारे लांदे ने, कदी उहनां मलाहां दीआं बेड़ियां नूं देखो, जदों उह बेड़ी नूं किनारे तो पानी चो बाहर कढ़दे ने ते बेड़ी कई फुट जिहड़ी है उह पानी दे विच गई हुंदी है, ते सारी बेड़ी पानी विच डुब्बी है, ते सिर्फ उहदा किनारा जिहड़ा तीन चार उंगलां, तुसीं ध्यान दिया जे तीन चार उंगलां सिर्फ वह किनारा पानी तो उत्ते है, बाकी सारी बेड़ी पानी विच डुब्बी है, पर कदी वह बेड़ी डोबदी नहीं, सिर्फ उहदा तीन चार उंगलां किनारा बाहर रहना चाहिदा है, ते सारे पूर नूं एक किनारे तो दूजे किनारे ते ला दिंदी है सारी पानी विच, सिर्फ दो चार उंगलां पानी तो बाहर। ते भाई साहब कहिंदे ने प्यारिया तू अपने गृहस्थ ते रुझेव्या विच जितना मर्जी खर्च है, कदी 24 घंटिया विचों थोड़ा जा समय कर ले नलेप होण दा, जे बेड़ी सारी पानी विच होवे, तीन उंगलां किनारा पानी तो उपर होवे, ते ओ एक किनारे तो दूजे किनारे लगदी है, तू 24 घंटिया विचों किते 10-15 मिंटी टेके जुड़ जा, सच जानी तेरे जीवन की बेड़ी की एक किनारे तो दूजे किनारे लग जाए। इहदे तो नरलेप कोशिश। भाई साहब ने दूसरा प्रमाण दिता है कि इन्हें प्रसाद पानी छकने हैं, रसोई विच बैठ के सिर्फ 10-15 मिनट लगते ने रोटी पानी खांदियां, पर 10 मिनट विच खाधी हुई खुराक 24 घंटे सानू ताकत दिंदी है। जे शरीर की खुराक 10 मिनट खाइए तो 24 घंटे अंदर नू ताकत मिलती है। मरे मना तू 24 घंटिया विचो 10 मिनट कदे भजन कर लै, सत संगत कर लै, सच जानी तेरे अंदर नू 24 घंटिया की खुराक मिल जाएगी। भाई साहब ने तीसरा वचन कहे, कहिंदे ने जदों कोई भिखारी किसी बादशाह दे दर ते आउंदा, राजे दे दर ते आउंदा, ते फरियाद करदिया किन्ना कु समा लगदा, वह दरवाजे दे सामने खलो के उच्ची सारी सद दिंदा, ते बादशाह दे सामने जाके अपना शीश झुकांदा, सिर झुकांदिया सिर्फ खिण लगे कुछ कु, ते बादशाह ने खुश होके कहा यह विचारा आया, इहदे नाम एक जगीर ला दिओ। किन्नियां पुश्तां उहदियां खांदियां, जे बेड़ी सारी पानी विच है तीन उंगलां उपर वह प्यारिया पार लग सकदी है, जे 24 घंटिया विच 10 मिनट प्रसाद पानी छकीए ते तन्नू ताकत मिलदी है, जे एक खिण बादशाह दे चरणा विच कोई झुके ते ओनू जागीरां मिल जांदियां ने, तू 8 पैरां विचों 60 घड़ियां विचों, भाई गुरदास कहिंदे ने अद्धी घड़ी किते सत संगत कर लै ते सच जानी तेनू परमात्मा दा घर मिल जाए। पर करे तां केवल इह नहीं, इह तां कथा ही है ना भी आपां व्याख्या कर दित्ती, प्रमाण बड़े सोहणे ने, नहीं जे कोई करे। भाई साहब दे बचन ने जैसे बोझ भरी नाव अंदरी दवै बार खवै, पार परै पूर सबै कुशल बेखात है, जैसे एकाहारी एक घड़ी पाठशाला बैठ भोजन कै बिंजनाद स्वाद कै आघात है, जैसे राज द्वार करत जाए जोहार जन एक घड़ी पाछे देश भुगता हवै खात है, आठ ही पैर साठ घड़ी में जो एक घड़ी साध समागम करे। प्यारो जिहड़ा साध समागम सत संगत भी जेड़े आठ ही पैर साठ घड़ी में जो एक घड़ी साध समागम करे, कहन लगे फिर वह खिंडदा नहीं निज घर जात है, निज घर दर ते उस अवस्था ते टिक जांदा है जिथे अंदर खिंडाओ नहीं। धन गुरु अर्जुन देव जी ने अज दो बचन कहे ने, पहला बचन है शुभ बचन रमणन, रमण का आखरी अर्थ हुंदा बोलना, शुभ बचन दर ते चंगे बचन। हुण इत्थे शुभ बचन का अर्थ यह नहीं कि मिठिया मिठिया गल्लां करनियां, बेनती मेरी समझियो, बाबा जी ने बाणी विच कहा, कहन लगे पूजा वर्त तिल की शनाना पुन दान बहु दैन, कहू ना भिजै संयम स्वामी बोलना मीठे बैन। इस तरह नहीं उन्हें भिजना, क्यों प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सबता को बिखम न जाई लैन। शुभ बचन रमणन
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰਗ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁੜੱਤਨ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ 6 ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਤ ਧੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ਼ ਆਕਤ ਧੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ, ਇਹ 6 ਨੇ। ਤੁਮੀ ਤੇ ਤੁਮਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਲ, ਵਿਸ਼ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ। ਅੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧਤੂਰਾ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਮ ਵੀ ਕੁੜੱਤਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। 6 ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਦੇ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ਼ ਅੱਕ ਧਤੂਰਾ ਨਿੰਮ ਫਲ, ਮਨ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਤਿਸ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚੇਤਨਾ ਆਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲ, ਗੁਣ ਅਮੋਲ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਬੋਲ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ। ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰਗ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਉੱਤਮ ਸੇਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬੈ ਰੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਰਮਣੰਗ, ਗਵਣੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਉਦਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਚਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਕੰਮ ਮਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਡਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਘੁੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਚਲਾਈ ਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਦਣ ਤੂੰ
अंदर डूंगा हो जाएगा, आवाज भी खत्म हो गई। ते जिन्हां लोकां दी आवाज उच्ची है, आवाज उच्ची का मतलब दुनिया के शब्द कड़कदार ने, खिमा करो कई बार वो अंदरों बिल्कुल खिंडे खुंडे। असी पहाड़ वल जाइए ना, कितने हिंदुस्तान विच काफी नदियां पहाड़ों विच निकल दियां, जदों पहाड़ विचों नदी निकलती है तो उसकी आवाज बड़ी बड़ी आवाज दिंदियां, वो वजदियां ने कदी चटाणा ते कदी पत्थरां ते। पर चेते रखियो जेड़ी नदी पहाड़ विचों आवाज भी दिंदी है कदी डूंगी नहीं हुंदी, तेज जरूर हुंदी डूंगी कदी नहीं हुंदी। तुसी देखोगे पांच दो चार फुट पानी होगा बजेगा पत्थर से एक आवाज आएगी। हां वो डूंगी कोई नहीं, कली उहदे कोल आवाज है, पर जदों वो पहाड़ नूं छड्ड के मैदानी इलाके भी जांदी है वही नदी डूंगी हो जाती है। जदों डूंगी हुंदी है अपने आप उहदी आवाज बंद हो जाती, क्योंकि जिहड़ा अंदर गहरा नहीं गया आवाज उहदी है। जिस थां ते नदी गहरी नहीं उत्थे आवाज है, जिस थां ते नदी गहरी चली जाए उत्थे उहदी आवाज खत्म हो जाती है। सच्चे पातशाह मेहर करते हैं कि संगत भी जा गुरमुखा, उत्थे बैठ के रब दे शब्द बोल, उत्थे बैठ के तू कीर्ति कर, उत्थे सिद्ध कर। हजूर मेहर करने शुभ बचन रमणंग गवनंग साध संगेण, आप चल के जा संगत विच उधर न है, ए संगत ही तेरा पार उतारा करेगी। साहब कह लगे संसार सागरंग, आ जिहड़ा संसार समुन्द्र है, नानक पुन रब दा अखरी अर्थ हुंदा परत के आउणा, जन्म ना लभ्य ते जेड़े बंदे संगत विच बैठ के परमात्मा दी कीर्ति करनगे। तन गुरु अर्जुन साहब कहिंदे यकीन जाणियो, क्योंकि जिउंदिया समझ शायद ना पै, कहन लगे वह कदी भी भव सागर विच पटकन के नहीं, उन्हां नूं कदी जन्म ते मरण दा ताणा नहीं। जिहड़े संगत विच बैठ के जपदे ने उस प्यारे नूं, तन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह ने शलोक सहस्कृति विच एक प्रमाण दिता है कि सत संगत बंदे दे अंदर नूं किन्नी कु अडोलता बख्शी बख्शदी है। साहब सच्चे पातशाह कहिंदे ने एक बंदा जिहड़ा अपने अंदरों बिलकुल मानसिक पद्धर तो पिंगला है, कदी परमात्मा दे घर दी गल चले पहला ढेरी ढा के बैठ जाता है। कहिंदे ने जे सत संगत करे ते पिंगला बंदा भी पहाड़ दी शिखर ते पहुंच जांदा, कहण तो मुराद वह उच्चे तो उच्चे जिहड़े बिकम रस्ते ने तय कर सकता है। पिंगला बंदा समुंदर नूं चीर के पार जाएगा। कहिंदे ने जे कीड़ी सुके थां ते नहीं तुर सकती, जे रब मेहर करे ते कीड़ी वर्गे बंदे जिहड़े नूं चिक्कड़ दे दलदल दे नाले नूं पार कर सकदे। हजूर दे बचन ने कह लगे मस्कंग पगणंत शैलंग, मच्छर जिहड़ा वह भन देगा पहाड़ नूं, पर जे किते उहदे अंदर रब दी सत संगत दी मेहर हो जाए। जे कमजोर बंदा भी गुरु की संगत करे ते सत संगत उहदे अंदर इन्नी कु रहमत करेगी, मस्कंग पगणंत शैलंग करदमग तरंत पपील कै, सागरंग दलगंत पिंगक तम प्रकाश अंत कै, पत्थर तोड़ देंदा मच्छर पिंगले पार कर जांदे ने चिक्कड़, प्यारिया अन्या नूं रस्ता दिस पैंदा है, ते जेड़े मां मूड ने उहनां नूं अंदर दा ज्ञान मिल जांदा है। पर शर्त यह कि जे उह संगत विच बैठ के प्यारे दी कीर्ति कर, जे उहदी शिफ्त करन। हजूर कहिंदे ने उहनां नूं परत के जन्म ते मरन नहीं, क्योंकि जन्म मरण भी एक दुख है। हां इत्थे एक होर अर्ज जरूर करदे हां, देखो जेड़े जुड़ जांदे ने कोई जरूरी नहीं वह परत के आउंदे नहीं, परमात्मा अपनी खेड वरतांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब ने बचन किया, क्योंकि असीं कहांगे लो जी पिछले जन्म का किवें पता लग जांदा, जिहड़े असल भी जुड़े ने ओत ओत ने। कई बार मेरा मालक उन्हां दा चोला पुराना बदल के नवा चोला दे के भेजदा है, पर असल विच ओह कर्मां दे बद्दे नहीं, जिहड़े लोक कर्म कर्मां विच बज्जे ने उन्हां दे बंधन कट्टण वास्ते आउंदे, आओ भी जांदे पुनरप जन्म है, पर प्यारे वह दुखदाई नहीं। उन्होंने सतगुरु ने अमृत बाणी विच कह कह लगे जन्म मरण दुहू मैं नाही। हुण इत्थे कह रहे ने जिहड़े बंदगी करदे ने पुनरप जन्म ना लभ्य ते वह परत के जन्म मरण विच पैंदे नहीं, ते असीं कहांगे जिहड़े साधु गुरमुख रब दे प्यारे हुंदे ने ते वह जन्म विच नहीं। सच्चे पातशाह कहिंदे ने नहीं, जन्म मरण दुहू मैं नाही, जन पर पुकारी आए वो इस करके आए ने जी दान दे भगती लायन खरसों लैन मिलाए, वो इस करके आए ने कि जेड़े बंदे कंगाल ने, कंगाल दर्द जिन्हां कोल नाम दी पूंजी नहीं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵਲੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਵਣਦੇ। ਸੰਤਨ ਮੋਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ। ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤਨ ਮੌਕੋ ਪੂੰਜੀ ਸੌਂਪੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਮਨ ਕਾ ਧੋਖਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਾਂ ਕਰੇ ਗੋ ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਪੁਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾ। ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੇਵਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਟੀਚਰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ PhD ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਨੀ ਕੁ ਨੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਾ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਪੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਝੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਏ ਤੇ ਸੰਗੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ, ਐਸਤਾ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕ ਜੇ ਕੂਕ ਸਕਣੇ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੈ ਕੂਕਣੇ ਕਬੂ ਕੈ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀਏ ਮਾਂ ਰਹਿਣ ਬਬੀਆ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਆ ਪੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਛੜਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੁਕਾਰੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਫੁਰਨੇ, ਵੈਸੇ ਰੁਕਦੇ ਨੀ, ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨੀ ਰੁਕਦੇ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਆਪ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ।